नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। इस वक्त की बड़ी खबर डबरा से आ रही है। बिजली की अघोषित कटाई के खिलाफ डबरा के डीई कार्यालय और टेकनपुर विद्युत वितरण केंद्र का किसानों और ग्रामीणों ने किया घेराव। आपको बता दें कि टेकनपुर में महिला, पुरुष और छात्राएं भी हुए घेराव में शामिल। साथ ही वही डीई कार्यालय में अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन। साथ ही भारी संख्या में किसान और ग्रामीण भी शामिल रहे। डबरा से स्ट्रेट हेड कमाल साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कहना है कि गरीब आदमी है, उनके बच्चे अपनी बड़ी मुश्किल से तो बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से। क्या समस्या? बिजली कट रही है? यस सर। आप स्टूडेंट हैं? यस सर। क्या समस्या आ रही है? पढ़ने में ये समस्या आ रही है, लाइट ना आने के कारण अपनी पढ़ाई कर नहीं पा रहे हैं। अब हमारे पेपर आ चुके हैं, अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो कैसे पास होंगे। कहते हैं कि बच्ची आएगा भविष्य, अगर बच्ची नहीं पढ़ पाएंगे तो ये देश कैसे चलेगा। लाइट दे रहे हैं, लाइट तो आनी नहीं, लाइट की जगह वो बिल दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, और थोड़ा नहीं 5-5 हज़ार दे रहे हैं ये कमरे में, ये घर में, तो कहाँ से भरेंगे। गरीब आदमी हम, अपने हमारे पेरेंट्स हमारी पढ़ने की फीस तो बड़ी मुश्किल से भर पा रहे हैं, लाइट का बिल कहाँ से भरेंगे, और लाइट वो दे नहीं रहे हैं। मेरे साथ मेरी माँ है, बुआ है, और जो भी दीदी है हमारी, सब लोग, परिवार है हमारा पूरा, सब लोग है, सबका सहयोग है। बिजली की समस्या है कि हमारे गांव में 6 महीने से ट्रांसफर ही नहीं है। अभी चुनाव के दौरान एक ट्रांसफर रखा, 2 दिन चला, वो फूक गया। बार बार हमारे जुलाई में मैंने बिल भरा, जब बोले बिल भर देंगे तो ट्रांसफर रख देंगे। हमने बिल बकाया कर दिया और ट्रांसफर रखा नहीं। उसके बाद फिर अगस्त में किसी के पास 2,000, किसी के पास 1,500 रुपये, किसी के पास 2,500-3,000 ऐसे बिल आया है। वो भी आनंद चौरसिया जी ने कहा कि आप बिल भर दो, तो मैंने 29 तारीख में बकाया बिल जो था वो मैंने अपनी जेब से भरा गांव की समस्या को लेकर के, लेकिन आज तक ट्रांसफर नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया। हम डबरा गए तो डबरा जो अधिकारी है उनने कही कि आज मेरी बात मान जाओ, मैं कल ट्रांसफर रखवा दूंगा। तो आज तक कोई ट्रांसफर नहीं है। मैं सारे कागजात, बिल और ट्रांसफर के फोटो अवेलेबल करा चुका हूँ।